पानी का जंगी जहाज खरीदेंगे तो खजाने पे अधिक बोझ पड़ेगा। झावना, ये जहाज कैसे खरीदे? जहांपना, अगर हमने ये जंगी जहाज नहीं खरीदा तो कोई दुश्मन इसे खरीद लेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुश्मन हम पर हावी होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। बीरबल, हमारा एक संदेश उत्तराखंड देश के राजा जोधरमल को पहुंचाया जाए कि वो जल्द से जल्द हमारा बकाया चुकता कर ले। 4 साल से हमसे चावल उधार में ले रहे हैं लेकिन धन वहां से आता ही नहीं। जैसे ही वहां से धन आएगा वैसे ही हम ये जंगी जहाज खरीदेंगे और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना जैसा बलदेव ने कहा कहीं ये जहाज किसी और को ना बेच दिए जाए। जी जापना। लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर उत्तराखंडेश के राजा राजा जोधरमल पधार रहे हैं। अरे आइए 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 राजा जोधरमल, लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर राजा अमर सिंह, राजा धीर सिंह, हम आप तीनों का अपने महल में इस्तकबाल करते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए तशरीफ रखिए। खामोश जी। राजा जोधरमल जी। खामोश सिंह जी, हिसाब की किताब किधर है? ये लीजिए। ओहो, लगता है सारी बकाया राशि आज ही दे देंगे आप। इरादा तो यही है हमारा, पर हम बकाया देने नहीं लेने आए हैं। आपके ऊपर पूरे 50 लाख मोहरे बाकी हैं हमारी। ये क्या बेहुदा बेतुकी बात कर रहे हैं आप? चावल हमने आपको उधार दिया है, अब इसकी कीमत भी हम ही आपको देंगे? अरे राजा धीर सिंह, राजा अमर सिंह, जरा समझाइए इन्हें कि दिन में ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें। जहां पना, हमने जोधरमल जी की बात को समझा है अच्छे से, इसीलिए तो साथ कराने आए हैं। फैसला। जहां पना, जोधरमल जी का कहना है कि आपके राज्य में जो चावल पैदा होता है उसे बेच करके आप धन्य कमाते हैं, तो ये भी अपने ही आप पैदा हुए सूरज और उसकी रोशनी का दाम वसूलेंगे ना? माफ कीजिएगा अमर सिंह जी, सूरज तो आसमान में होता है, फिर इनके आग कैसे पैदा हो गए? बीरबल जी, सूरज एक आग का गोला, आसमान में तो तभी जाएगा जब हमारे यहां से पैदा होगा। हम समझाते हैं, हिमालय हमारे राज्य में है, सूरज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के पीछे से निकलता है और चोटी के पीछे हमारी जमीन है। और आज तक उस चोटी को कोई पार नहीं कर पाया कि जोधरमल जी के दावे की हकीकत को जांचा जा सके। बात में दम है, क्या बोलते हैं आप? ये अजीब मजाक, माफ कीजिएगा जोधरमल जी, अमर सिंह जी, हमारे हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि धरती जो है वो गोल है। अब या तो सूरज धरती के गोल गोल चक्कर लगाती है या फिर धरती अपनी जगह गोल गोल घूमती है। इस बात का अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास, पर दोनों में से एक तथ्य तो सही है और दोनों ही तथ्य में एक बात पुख्ता है कि धरती पृथ्वी गोल है। हम तो ये कहते हैं कि धरती एक सपाट जमीन है और सूरज धरती में से निकलता है। अगर आपके पास कोई प्रमाण है कि धरती गोल है और सूरज आसमान से निकलता है तो रखिए सबके सामने। जा बना, हमें एक दिन की मोहलत दीजिए, हम एक दिन के अंदर सबके सामने साबित कर देंगे कि पृथ्वी गोल है। लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हमने ये साबित कर दिया तो फिर जोधरमल जी पर जो भी बकाया है वो तुरंत हाथ के हाथ हमें दे देंगे। हमें मंजूर है, पर अगर ये बात साबित नहीं हुई हम तो 50 लाख मोहरे लेकर ही जाएंगे। हमें मंजूर है जोधरमल जी। अरे वासु, शाही खून है हम,
लेकिन हम कैसे अब्बा हुजूर की मदद करें? कहां से लाएं हम इतना सारा धन कि हम वो जंगी जहाज खरीद सके? कहां से लाएं? ये सिपाही से मांग लो। सिपाही से? सिपाही? जी सजादे। आप क्या आपके पास कुछ मुहरे हैं? क्यों सजादे? वो हमें उधार चाहिए थी। शहजादे, हमारी जितनी तनख्वाह है उससे बस हमारा घर ही चल पाता है। हाँ, एक आदमी है जिसके पास ढेर सारी मोहरे मिलेंगे। कौन? वो है राजा जोधरमल। कहते हैं उन्हें सच्चे प्यार की तलाश है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो निकलो। सच्चे प्यार की तलाश मतलब जोधरमल को सच्चा प्यार दो, उससे मोहरे लो और वो मोहरे फूफू को दे दो और बन जाओ फूफू की आंखों के तारे, प्यारे दुलारे सितारे, है कि नहीं? जा बना, हम अभी साबित कर देते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है और गोल गोल घूमती भी है। कीजिए कीजिए, जो करना है कीजिए, जल्दी कीजिए। हमारी पृथ्वी? जहां पर आप हमारी पृथ्वी खा गए? ये कोई पृथ्वी नहीं है बीरबल, ये संतरा है। यूं तो आप अभी हम नींबू को निचोड़ेंगे तो आप कहेंगे अरे जापना आपने सूरज को निचोड़ दिया। अरे नहीं नहीं जापना, ये नींबू सूरज नहीं, ये चंद्रमा है। सूरज तो ये दिया है। अभी बताते हैं, मान लीजिए कि ये जो संतरा है जो आप खा रहे हैं, ये संतरा नहीं, ये पृथ्वी है। ये संतरा पृथ्वी है? जी हाँ। ये नींबू चंद्रमा है और ये जो दिया है ये दिया सूरज, और ये रहे आप। ओह, जरा हमें दिखाइए, ये हमें। वाह बीरबल, हमें बड़ा पतला बनाया आपने। तो ये हैं आप, दुबले पतले, और आप पृथ्वी पर यहां हैं। अब देखिए जापना क्या होता है। सिपाहियों, रोशनी कम कर दी जाए। तो देखिए जापना, सूरज आपकी दिशा में। अरे इतना नजदीक ला रहे हैं आप बीरबल, हम जल जाएंगे। नहीं नहीं जापना, आप नहीं जलेंगे। अब क्योंकि सूरज आपके दिशा में, पृथ्वी पर जो भाग आपका है वहां रोशनी है, वहां दिन है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी सपाट होती जैसे राजा जोधरमल ने कहा है, तो फिर आपकी दिशा में हमेशा रोशनी होनी चाहिए थी, हमेशा दिन ही होना चाहिए था। ये तो सही कह रहे हैं आप बीरबल, इस तरह तो दिन होता, दिन ही दिन होता, रात कभी होती नहीं, लेकिन हमारे पृथ्वी पर रात होती है। वो इसलिए जापना क्योंकि पृथ्वी घूमती है और उसके घूमने के कारण आप चले जाते हैं अंधकार में, यानी कि दूसरी दिशा में। आपकी दिशा में रात और सूरज जिस दिशा में है उस दिशा में दिन, दिन रात, दिन रात का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ओ बीरबल, यानी कि क्योंकि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है इसीलिए दिन भी है और रात भी है। और क्योंकि पृथ्वी के सिर्फ दो भाग नहीं है, बाकी हिस्सों में भी लोग रहते हैं, इसलिए पृथ्वी गोल है और दिन रात का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सिपाहियों, रोशनी कीजिए। तो देखा आपने जापना, पृथ्वी सपाट नहीं है जैसे कि राजा जोधरमल ने कहा, बल्कि पृथ्वी भी गोल, चंद्रमा भी गोल और सूरज भी गोल। वाह बीरबल वाह, अब यही बात जाकर आप जोधरमल को बताइए ताकि वो तुरंत हमारा बकाया हमें लौटा दे और हम वो जंगी जहाज खरीद पाए। जी जब वासु, वाह बोलो, आजा हम तुझे काला टीका लगा देते हैं ताकि तुझे किसी की नजर ना लगे। काला टीका का आप
कभी भी। कभी भी है राजा जोधरमल जी? हाँ लिख लेते हैं, कभी कभी उसी की याद में जो हमें कभी मिली नहीं। कौन मिली नहीं आपको? वही जो हमें सच्चा प्यार कर सके और बता सके कि सच्चा प्यार क्या है। हाय दया मर जावा, हम भी सच्चे प्यार की तलाश में ही तो घूम रहे हैं, पर अफसोस हमें भी वो अब तक नहीं मिला। आप कौन है मोहतरमा? हम इस महल की नर्तकी हैं, नाम है हमारा परी। बहुत खूब, आपका सच्चे प्यार के बारे में क्या विचार है? सच्चा प्यार ना देखता है जात, ना पात, ना धर्म, देखता है तो सिर्फ दिल। तो इस तरह से पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है और दिन रात रात दिन का सिलसिला चलता रहता है। अब क्योंकि चंद्रमा गोल है, सूरज गोल है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी भी गोल ही है। संतरा गोल है तो धरती भी गोल है। क्या बेत का प्रयोग किया बीरबल जी आपने। लेकिन जोधरमल जी, बीरबल जी की बात में है तर्क। हम इनके रात दिन के प्रयोग से संतुष्ट हैं। तो चलिए जोधरमल जी, हिसाब कीजिए और बकाया राशि दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खामोश। जी महाराज। खामोश, आप भी जरा ध्यान से देखिए बीरबल जी, ये एक धरती है और ये छोटा सा बिंदु जापना आप हैं। अरे आप सभी लोग हमें ही बिंदु क्यों बनाते हैं? और ये बीरबल जी आपके उत्तर पूर्वी दिशा में हमारा राज्य है और ये है हमारे राज्य की सबसे ऊंची चोटी और इसी चोटी के पीछे है एक जीवित ज्वालामुखी जो हर आठ पैर के बाद अपने मुंह में आग का गोला लेकर आसमान की तरफ फेंकता है और फिर वो गोला ऐसे जाता है और समुंदर में गिर जाता है और बुझ जाता है और फिर चार पैर के बाद एक नया गोला आसमान में फेंका जाता है और उसी गोले को हम सूरज कहते हैं। ज्वालामुखी में भी सूरज जैसी आग होती है। और हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि जब कोई जहाज बहुत दूर तक समुंदर में चला जाता है तो वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये धरती सपाट है। क्या है? सपाट। और जब जहाज धरती के अंत में पहुंच जाता है तो पाताल लोक में गिर जाता है, समझे? और अगर धरती गोल होती तो भटका हुआ वापस ना आ जाता जहाज? बादशाह अकबर, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए और जल्दी से एक संधि तैयार कीजिए कि हम जिंदगी भर आपका चावल इस्तेमाल करेंगे और आप हमारे सूरज की रोशनी। हमारा राज्य तो आपका चावल सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल करता है पर आपका राज्य सूरज की रोशनी में काम करता है, धान उगाता है और उसे पकाता है, यहां तक कि कपड़े भी सुखाता है। तो फिर सूरज की रोशनी चावल की कीमत से ज्यादा हुई ना, समझे? कितनी कीमत चाहिए आपको अपनी सूरज की रोशनी की? बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर में ताकत है कि वो हर दाम चुका सके। बादशाह अकबर, हमने जो आपसे बदले में मांगा हमें वो दे दीजिए। और एक और चीज चाहिए आपसे, हमें आपके महल की नर्तकी परी से सच्चा प्यार हो गया है। हम सच्चा प्यार कब से तलाश कर रहे थे जापन, परी ने हमारा दिल जीत लिया। परी सचमुच में परी है और परी वो असली परी से भी ज्यादा खूबसूरत है जापन। देखिए राजा जोधरमल,
हम अपने महल की सारी औरतों की इज्जत करते हैं, उन्हें कोई वस्तु नहीं समझते कि उनका सौदा कर दें। माफ कीजिए जापना, हमने कब कहा कि सौदा करते हैं? हम तो परी से शादी करेंगे। जब हमारा रिश्ता आपके महल के साथ जुड़ जाएगा तो हम किस मुंह से किसी भी चीज की कीमत वसूलने की सोचेंगे? हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। पर जोधरमल जी, हमारी एक शर्त, पहले आपकी और परी जी की शादी हम इसी महल में करेंगे। एक बार आपकी शादी हो गई तो फिर परी जी के साथ आपको महल से रुखसत किया जाएगा। विवाह की तैयारी कीजिए। हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों हमसे कुछ कहना चाहते हैं? चलिए जल्दी 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 बताइए। क्या ये मामला तो और भी पेचीदा हो गया। वासु, अब आपको जोधरमल से शादी करके इस महल से रुखसत होना ही होगा। रोइए मत, हम कुछ करते हैं। हे प्रभु, अब आप ही इस मुश्किल का हल बताइए। विवाह संपन्न हुआ। वाह, खामोश, चलने की तैयारी की जाए। रुक जाइए, अब विदाई की रस्म जो है वो तो रात को ही हो सकती है। विदाई रात को क्यों होगी? क्योंकि हमारे राज्य के लोगों ने फैसला किया है कि वो दिन में सोएंगे और अब से सिर्फ रात में ही काम करेंगे। तो जब राज्य के लोग रात में ही काम करेंगे तो विदाई रात को ही होगी। लेकिन अचानक से आपके राज्य के लोग ये दिन में क्यों सोने लगे? वो अमर सिंह जी, ऐसा है कि दिन में इनकी सूरज की रोशनी हमारे जमीन पर पड़ती है जिसका ये किराया मांगते हैं। तो अब से हमने तय किया है कि हम इनकी सूरज की रोशनी का किराया नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम रात में काम करना सीख लें। लेकिन होगा वो कैसे? अब ये इनका सूरज है, ये जाने। लेकिन अगर कल से इनके सूरज की रोशनी हमारी जमीन पर पड़ी तो हम इनसे हर्जाना जरूर लेंगे। ये भी किया जा सकता है, बात में दम है, क्या बोलते हैं? और ऐसे ही कुछ हमने इस अनुबंध दस्तावेज पर भी लिखा है, लीजिए पढ़ लीजिए। वैसे बीरबल जो कह रहे हैं वो बात तो सही है। देखा जाए तो आज तक आपके सूरज की रोशनी जो हमारे राज्य पर पड़ रही है उसका बकाया अगर आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। लेकिन आज के बाद हमें आपकी सूरज की रोशनी चाहिए ही नहीं। और अगर आपकी सूरज की रोशनी अब हमारे राज्य पर पड़ी तो उसका हर्जाना आप ही को हमें देना पड़ेगा। हम तो हैं इनकी बात से सहमत। अब जोधरमल जी, आपके सूरज की रोशनी इनके राज्य पर पड़ी तो आपको भरना होगा हर्जाना। हमें कोई संधि नहीं करनी जापना, हम तो मजाक कर रहे थे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा सच्चा प्यार मिल गया है। बिल्कुल सही कहा राजा जोधरमल आपने, आप अब तक मजाक ही कर रहे थे। आपके हिसाब से तो धरती यानी कि पृथ्वी सपाट है, लेकिन हमारे हिसाब से पृथ्वी गोल है। और अभी आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि संतरा जो है ये पृथ्वी है तो ये है सूरज। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, चंद्र अंधकार में आ जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि चंद्र पर किसी की परछाई आती है।
किसकी? वो क्या है कि ये जो पृथ्वी है ये गोल गोल घूमती है और ये चंद्रमा भी पृथ्वी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूरज एक रेखा में आ जाते हैं। सूरज की रोशनी के कारण पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा अंधकार में आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण हुआ है। अब आप सब एक बात बताइए, चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्र पर जो परछाई पड़ती है तो वो किस आकार का होता है? गोल गोल। और वो परछाई पृथ्वी की होती है तो पृथ्वी किस आकार की हुई? गोल। हाँ वो भी गोली हुई गोल। तो अब तो आप सब समझ गए गोल होती है पृथ्वी। बात में दम है, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ जापना, हम समझ गए कि पृथ्वी गोल है और हम आपका सारा चावल का बकाया भी दे देंगे। हमें तो बस अपना सच्चा प्यार मिल गया जापना। चलो अब जब बकाया राशि का सब कुछ सुलझ ही गया है तो मैं भी आप सब लोगों को कुछ बता ही देती हूँ कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। वासु आप